हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल लान स्टिचिंग में स्वागत है। आज हम ब्लाउज का डिजाइन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए देखिए, हमने मोढ़े को काट लिया है। शोल्डर हमारी 5 इंच है, लंबाई हमारी 14 इंच है, चौड़ाई हमारी 11.5 इंच है। 6 इंच पे हमने मोढ़े का निशान लगाकर काटा है। ऊपर से हम 2.25 इंच गले के लिए लेंगे और गले की डीपनेस यहाँ पर 9.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ से देखिए बॉक्स बना लेते हैं और उसके बाद गोल गले का शेप देते हैं और अब हम इसे काट लेंगे। तो देखिए हमारा गला कट के तैयार हो गया है। यहाँ पर ब्लाउज के कपड़े को फैलाएंगे, उसके ऊपर अस्तर के कपड़े को फैलाएंगे। पहले पिन अटैच कर लेते हैं, फिर ऊपर से गले की सिलाई लगाते हैं। अब हम बीच से कपड़े को काट कर निकाल लेंगे। हल्का हल्का कट हम पूरे गले के ऊपर लगाएंगे और अब हम इसे पलट लेंगे। अच्छी तरह से पलटने के बाद हम ऊपर से गले की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हम इस तरह से गले की सिलाई लगा रहे हैं और इसके बाद देखिए यहाँ से अस्तर और कपड़े को मिलाते हुए चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। और फ्रेंड, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। यहाँ पर देखिए, पहले हमने 1-1 इंच पर निशान लगाकर इस तरह का शेप दिया है। अब हम यहाँ से 2-2 इंच पर निशान लगाकर शेप देंगे इस तरह से, और इस निशान को दोनों तरफ ले आते हैं। और अब हम देखिए यहाँ पर एक गोल्डन कलर का पट्टी लिए हैं 1 इंच का, इसे डोरी की तरह मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद देखिए इसे हम दूसरा वाला जो निशान लगाए हैं उसी निशान से इसे हम काट लेंगे। और यहाँ पर देखिए दूसरे निशान जहाँ लगाए हैं वहाँ से हम इसे अटैच करते जाएंगे। नीचे साइड भी हम सिलाई लगा लेते हैं बराबर करते हुए। एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल लेंगे और यहाँ पर से हम देखिए लेस लगाएंगे। पहले 2 डोरी लेते हैं, इसे क्रॉस करते हुए सिलाई लगा देते हैं इस तरह से देखिए, और यहाँ से हम देखिए लेस लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है और ऊपर से हम एक लेस लगाएंगे। यहाँ पर एक लेस और लगाएंगे और नीचे के पैटर्न को कवर करते हुए अटैच कर लेंगे। यहाँ पर नीचे का प्लेट बना लेते हैं। यहाँ पर हम 1 इंच का पट्टी लेंगे और नीचे साइड रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमारा ब्लाउज डिजाइन बनकर तैयार हो गया। आपको ये डिजाइन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।